दोस्तों, हमारी पिछली कुछ कैटल फार्मिंग वीडियोस पर आपके भरपूर सपोर्ट के बाद आज फिर लेकर आए हैं कुछ और शानदार मशीन्स और इक्विपमेंट्स पर एक और तड़कती फड़कती वीडियो, जहां मॉडर्न कैटल फार्मिंग की ये न्यू मशीन्स और टेक्निक अपनी अखियां बिछाए आपका स्वागत कर रही हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में आगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं काउ हूफ रिपेयरिंग टेक्निक। तो चाहे जमा देने वाली सर्दियां हो या तपा देने वाली गर्मियां, छप छप बारिश का हो एहसास या पत्थरों की मार, मौसम और रास्ते की हर एक रुकावट से आपके पैरों की रक्षा करने वाले ये जूते आपके पैरों को महफूज रखते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है ऐसे में इन जानवरों का क्या होता होगा? वेल, होना क्या है, प्रकृति ने इन्हें भी एक फूड वेयर प्रदान की है, और वो असल में कुछ और नहीं बल्कि इनके पैरों पर चढ़े ये सख्त और पत्थर से दिखने वाले खोल होते हैं। वट जब कभी ये घिस घिस कर कटने फटने लगते हैं तो जरूरत पड़ती है इनकी मरम्मत की, जिसे ये कारीगर पूरी शिद्दत से करते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे इन जानवरों के बेजान और बर्बाद पड़े खुरों का रेस्टोरेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, हूफ्स रेस्टोरेशन की ये प्रोसेस शुरू होती है इस पशु के घायल खुर से, जिसे एक कारीगर उठाकर इस पेडेस्टल पर रखता है और फिर एक ग्रेडर की मदद से पैर पर लगे आयरन शो को रिमूव कर देता है। साथ ही इसी ग्रेडर से थोड़ी बहुत घिसाई कर ऊपरी अवसादों को हटा दिया जाता है, जिसके बाद आगे बारी आती है इस खुर को चमचमाता और साफ सुथरा बनाने की, जिसके लिए ये कारीगर इस रेत की मदद से चारों ओर से इन खुरों की घिसाई करता है। और आगे इस रेगमाल की मदद से और भी इसे फाइन और फिनिशिंग दी जाती है। अंत में अब बारी आती है एक नई नालिया, यूं कहें कि एक शो को लगाने की, जिसके लिए इस पिलर की मदद से इस रेड हॉट आयरन पीस को हथौड़े से ठोक ठोक कर जावर के खुर की शेप में लाता है, और एट द एंड उस हूप शो को बड़े ही सलीके से जानवर के खुर पर फिक्स कर देता है। जिसके लिए केवल उसे उसके भीतर लगे पैलेट्स को ठोक कर चौड़ा करना होता है, और वो खुद व खुद ही जानवर के खुर पर सेट बैठ जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले ये खुर कैसे दिख रहे थे और अब ये खुर कैसे हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको दिखाते हैं काउ मॉप ब्रश। वेल, दोस्तों जब कभी आपको खोजाना होता है तो आप तो ये काम अपने हाथों से कर लेते हैं, मगर ये बेचारे क्या करें, ये तो अपने हाथ से नहीं खुजा सकते ना। वेल, इनकी खुजली मिटाने के लिए हमेशा पेश होती है ये काउ मॉप ब्रश। जी हाँ, ये एक ऐसा रफ ब्रश होता है जो किसी रोल के फॉर्म में गोल गोल घूमकर जानवर के शरीर की सारी खाज मिटा देता है। इतना ही नहीं, इस मशीन का प्रयोग मजबूरी से शुरू होता है, बट बाद में जब ये मसाज करने लगता है तो मवेशियों को मजा आने लगता है और वो वहीं खड़े खड़े इसे इंजॉय करते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वेशर बियर बटलर गोल्ड के ये जलवे। दोस्तों, ये एक फार्मिंग कीपिंग रोबोट है जो इन तवेलों में कई सारे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के काम में आता है। बस एक बरकर इसके डिजिटल पैनल में प्रोग्राम सेट कर देता है और फिर ये निकल पड़ती हैं इन नांदों की ओर, जहां पहुंचकर ये फर्श पर फैले इस चारे को
अपने मैजिक ग्लोट्स की मदद से खरोंच कर नांदों की ओर सरका देती हैं, जिससे मवेशी के मुंह और चारे के बीच की दूरी कम होती है और वो आराम से उसका सेवन कर पाते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, मशीन इसलिए भी कुछ हटकर है क्योंकि आप इसे दूर खड़े होकर ही केवल अपने टैबलेट की मदद से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये मशीन इसलिए भी कई मायनों में खास है क्योंकि ये इन फार्म्स में होने वाली चारे की बर्बादी को रोक फार्म मालिकों का पैसा और संसाधन दोनों ही बचाती है। जी हाँ, चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हॉर्स ट्रेनिंग की ये मशीन जो आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, हॉर्स रेस यानी घोड़ों की दौड़ दुनिया भर में कुछ बेहद ही मशहूर स्पोर्ट्स में से एक है, और हो भी क्यों ना, ट्रैक्स पर गोली की रफ्तार से सरपट दौड़ते ये घोड़े दर्शकों को अपना फैन बना लेते हैं। मगर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी इस दौड़ में ये घोड़े इतने मजबूत और तेज होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इन दौड़ों में हर वक्त टॉप परफॉर्म करने के लिए इन हॉर्सेस को गजब की ट्रेनिंग लेनी होती है, और इसी कड़ी में इस्तेमाल किया जाता है हॉर्स ट्रेनिंग मशीन को। दोस्तों, असल में ये एक रशियन ऑटोमेटिक कंपनी कल्ट सिस्टम द्वारा डिजाइंड मशीन है। इस मशीन को स्पेशली इन रेस के घोड़ों को शुरुआती दौड़ में रनिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन ट्रेनिंग ट्रैक की सीलिंग पर लगे रेल्स पर स्लाइड करती है। बस इससे पहले इस मशीन के दोनों ही ओर एक एक घोड़े को बांध दिया जाता है, जिसके बाद पहले तो धीरे और फिर घोड़े कुछ दिनों में स्पीड पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये घोड़े एक्चुअल रेस में अपना जलवा दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, एंड दे ऑल आर रेडी टू रॉक। अब दोस्तों, घोड़े की तो ट्रेनिंग हो गई, मगर जनाब उनका क्या जो इन पर सवार होकर तबड़ तबड़ इन घोड़ों को दौड़ाने वाले हैं। आइए अब आपको उनकी ट्रेनिंग भी होती दिखाई देते हैं कि आखिर कैसे एक घोड़ सवार की ट्रेनिंग होती है। वेल दोस्तों, ये एक नकली घोड़ा है जो किसी असली घोड़े की ही तरह मटकता भी है और दुलटियां भी मारता है। इसका प्रयोग एक घुड़सवार अपने शुरुआती दिनों में घोड़े पर बैठने व उस पर जमे रहने की तैयारी करता है। इवन उसे घुड़सवारी के दौरान लगने वाले झटकों का भी अनुभव हो जाता है, जिससे वह घुड़सवार के इस कौशल में निपुण होता है और असल दौड़ में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, इन हॉर्स कोर्स में और भी बहुत सी ट्रेनिंग प्रैक्टिस और टेस्ट को अंजाम दिया जाता है, जिससे कि रेस से पहले ही घोड़ों को दौड़ाने का पूरा प्रशिक्षण और अभ्यास करवाया जा सके। जब घोड़ा अपनी टीनेज यानी किशोरावस्था में होता है तो पहले उसे इन ट्रेडमिल्स टेस्ट से गुजारा जाता है, जहां उसे हल्के फुल्के रनिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए कम स्पीड पर दौड़ाया जाता है, और फिर आगे चलकर जैसे जैसे वो अनुभव पाता जाता है, ट्रेडमिल की स्पीड और रनिंग टाइम दोनों ही बढ़ता जाता है, और जब इस टेस्ट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की बारी आती है तो इन घोड़ों को इस प्रैक्टिस चैम्बर में लाया जाता है। जी हाँ, ये खास किस्म का हॉल होता है जहाँ घोड़ों की प्रैक्टिस के लिए ये रिवॉल्विंग शाफ्ट फ्लोर लगे होते हैं, जिन पर खड़े होकर ये घोड़े तेज रफ्तार के साथ गोल गोल घूमते हैं, और जैसे जैसे इन फ्लोर्स की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे इन घोड़ों को भी तेज दौड़ना पड़ता है, जिससे ओवरऑल इनके अंदर स्टेमिना इंक्रीज होता है और ये हर दिन एक नया रेस रिकॉर्ड बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस केवल यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। तो जनाब, हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में एक और झन्नाट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।